जा रहा हूँ भैया मम्मी, बाय। इधर आओ। बोलो। अरे नीचे तो आओ। बाय, शाम को जल्दी आना। ठीक है, बाय। मैं तो नमक है नहीं। अरे क्या बोल रही हो, अभी तो पापा खाना खा कर गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला मुझे। भाभी भैया तो आपके प्यार में बिना नमक का खाना भी स्वाद लेके खा लेते हैं, वो क्या बोलेंगे। संजू को कोई परेशानी तो नहीं है जो उन्हें खाने में टेस्ट का ही पता नहीं चला। भाभी आप खामखा इतना परेशान हो रहे हो, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए परेशान रहते हो, बिना बोले एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हो। आप परेशान या शर्मिंदा ना हो इसलिए शायद भैया ने कुछ नहीं बोला होगा। आप परेशान मत हो इतना। मैं देखो पापा आपके लिए क्या लाए। पापा आ गए, कहाँ पर हैं? बाहर। अरे ये क्या लेकर आए हो आप? अरे इसमें एक मशीन है, इसमें तुम प्याज गाजर गोभी और भी बहुत सारी सब्जियां काट सकते हो, तुम्हें आसानी रहेगी किचन में काम करने के लिए, इसलिए ले आया। कितने की है? कितने की है क्या मतलब है, पसंद नहीं आई क्या? और तुम्हें पैसों से क्या करना है? सुबह खाने में मैंने नमक नहीं डाला था, ये उसका इनाम है क्या? अरे नहीं, वो तो मुझे पता भी नहीं चला। मैं एक बार फ्रेश हो लेता हूँ, जब तक तुम एक कप चाय बना दो। चाय में चीनी नहीं डालूं तो चलेगा क्या? देखा भाभी, आप तो फालतू में परेशान हो रहे थे और एक भैया का प्यार है आपके लिए जो बिना बोले ही आपके प्यार को समझ जाता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये हंसा का जोड़ा ऐसे मुस्कुराता रहे और आपके प्यार को किसी की नजर ना लगे। काश मुझे भी ऐसे प्यार करने वाला पति मिल जाता तो मैं तो ख्वाब के आसमान में पंख लगा के उड़ जाती। हाँ हाँ ज़रूर उड़ना, ऐसा पति मिल गया तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। ना मेरी ज़िंदगी में प्यार है, ना हंसी मजाक, और ना ही मतलब एक इजहार होता है ना प्यार करने का, वो तो जताते तक नहीं है। रोमांस क्या होता है ये तो बस मैंने फिल्मों में ही देखा है। ऐसा पति मिल गया ना तुमको तो दो लफ्ज प्यार के लिए भी तरसोगी तुम। पता है भाभी, कुछ लोग बोलते ज्यादा है करते कम है, दिखाते ज्यादा है लेकिन होता है क्या, कुछ भी नहीं। याद है आपको, आप और भैया एक दिन बाजार गए हुए थे और आपने लाल कलर की साड़ी को देख के बस इतना बोला था कि वाह क्या सुंदर साड़ी है, और भैया ने वो उसी दिन देखी थी और अगले दिन वो साड़ी आपके हाथ में थी। तो ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है? आपको पता नहीं है लोग मान मर्यादा रीति रिवाज के बहाने अपनी वाइफ को बहुत परेशान करते हैं कि कहाँ गई थी, इससे बात नहीं करनी, कितना टाइम लगा दिया, कहाँ पैसे खर्च कर दिए, कितने पैसे खर्च कर दिए, पता नहीं कितने सवाल पूछते हैं और अपनी वाइफ को जलील करते हैं। लेकिन आपके कहने पर भैया ने आपकी पढ़ाई पूरी करवाई, आप पेंटिंग कोर्स करना चाहते थे वो उन्होंने करवाया। पता नहीं कितने ही लोग अपनी वाइफ को खुश करने के लिए इतना सब करते हैं। आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते थे, भैया ने ब्लैंक चेक बिना कुछ सोचे समझे आपके हाथ में दे दिया। भाभी आप बहुत लकी हो जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है, आपने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे। तुम सही कह रही हो, वो दिखाते नहीं हैं पर किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने देते। मैं कहीं पर भी आऊँ कहीं पर भी जाऊँ मुझे आज़ाद छोड़ा हुआ है और इतना ट्रस्ट तो वही करता है जो आपसे बहुत प्यार करता हो। तो भाभी वही तो कह रही हो, आज के बाद आपको इतना परेशान और इतनी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हंसते रहो। चलो मैं चाय ले लेती हूँ। आ जाओ, चाय बन गई। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया।
सुनो, तुम्हारे लिए अलमारी में कुछ रखा है। मेरे लिए? मेरी जिंदगी की हर सुबह खुश नसीब होती है क्योंकि वो तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर शुरू होती है। मैं चाहता हूँ अंत भी ऐसा ही हो। जैसा पति तुम्हें चाहिए था वैसा तो मैं नहीं हूँ, और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश बहुत गरीबी में हुई थी, जहाँ मुझे फिल्म देखने तक का मौका नहीं मिला। किसी तरह से पढ़ाई पूरी करके नौकरी हासिल करने के अलावा कुछ दिखाई नहीं, पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे ख्वाबों का पति बनने की। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे क्या हुआ? देखो मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो तो मैंने तुम्हारी और रवीना की बातें सुन ली थी, इसलिए मुझे लगा अगर ये देखोगी तो तुम खुश हो जाओगी। मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए लेके आया था। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा तो। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और आप जैसे हो वैसे रहो, ना ही आपको बदलने की जरूरत है। आप मुझसे जैसे प्यार करते हो वैसे ही प्यार करो। I love you. I love you too. तुझ में रब दिखता है।